हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपके अपने चैनल नीरज कनाडा पे आप सबका स्वागत है एंड सत श्री अकाल सबको। आज हम बात करेंगे जनवरी इनटेक की। अब ये जनवरी इनटेक क्या चीज़ है, कोई भी अगर स्टूडेंट यहाँ कनाडा में पढ़ना चाहता है वो साल में तीन बार ही आ सकता है। तीन बार मतलब एडमिशन्स खोलते हैं यहाँ के कॉलेज और यूनिवर्सिटी के, एक जनवरी में, एक मई में, एक सितंबर में। अगर आप जनवरी में आ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। पूरी वीडियो देख के जाना, ज़्यादा लंबी नहीं है। मैं टू द पॉइंट बात करूँगा कि आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, आपका कैसी स्टूडेंट लाइफ चलती है यहाँ पे अगर आप जनवरी में आ रहे हो, और आप कितने महीने आप फुल टाइम काम कर सकते हो कि आप पैसे कमा सको और अपने फीस जोड़ सको। सो आज हम पूरा डिटेल में इस सिनेरियो को देखेंगे, टू द पॉइंट। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, एक वीडियो को लाइक भी दे देना मेरी मेहनत के लिए। फिर चलिए शुरू करते हैं। तो हाँ भाई, अगर हम सबसे पहली चीज़ देखें, जो लोग जनवरी में आ रहे होते हैं उनको हमेशा विंटर की तैयारी करके आनी चाहिए, फुल ऑन अपने विंटर के जितने भी आप कपड़े ला सकते हो वो भर के लाओ, क्योंकि यहाँ पे सर्दी का मौसम चल रहा होता है। और जो जनवरी इनटेक होता है उसको हम विंटर इनटेक भी एक तरह से कहते हैं यहाँ पे कनाडा में। विंटर मतलब कि यार यहाँ पे मोस्ट ऑफ द कनाडा लोकेशंस में स्नो गिर रही होती है या पड़ चुकी होती है जब भी आप विंटर में आ रहे होते हो। सो बी रेडी फॉर दैट स्नो। मगर डरने की इसमें कोई बात नहीं है यार, स्नो का एक अलग माहौल होता है। आप इंडिया में स्नो ज़्यादा देख नहीं पाते, बल्कि दिखती नहीं है। यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे माहौल ही पूरा डिफरेंट होता है जब भी आप जनवरी में आ रहे होते हो। सो फर्स्ट थिंग, बी प्रिपेयर्ड फॉर द स्नो। सेकेंड थिंग यार, जब भी आप कनाडा में आ रहे हो जनवरी इनटेक के लिए, जब भी आप एयरपोर्ट से निकलोगे, सो आप कुछ ऐसे कपड़े पहन के यार इंडिया से आओ कि यहाँ पे आपको एकदम ठंड ना लग जाए, क्योंकि टेम्परेचर चेंज बहुत बड़ा होता है। अब आप वहाँ पे आ रहे हो पॉजिटिव में, है ना, कई कई जगह पे जिस एयरपोर्ट पे आप उतरते हो वहाँ पे निगेटिव में टेम्परेचर्स होता है, -5, -2, है ना। सो पॉजिटिव से निगेटिव में एकदम आप आ रहे हो 14 घंटे की या 20 घंटे की फ़्लाइट लेके। सो बी श्योर कि आप थोड़े वार्म कपड़े पहन के आओ अगर विंटर इनटेक के लिए आ रहे हो। अगर नहीं पहनने कपड़े सो अपने हाथ में एक मोटी जैकेट रख के आओ, कि प्लेन में आप ऑन साइड रख लो जैकेट, या चेक इन वाले बैग में रख लो कि आप जब भी बाहर निकलो एयरपोर्ट से तो जैकेट आप पहन के आओ कि आपको ठंड ना लगे। ठीक है, आप घर पहुंच गए, आपने एनरोल किया यूनिवर्सिटी में, अब आपका पहला दिन है यूनिवर्सिटी में। अगर हम यूनिवर्सिटी लाइफ की बात करें कि जो जनवरी इनटेक में होते हैं उनकी यूनिवर्सिटी लाइफ या कॉलेज लाइफ कैसी होती है, सो उनका बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, एक यहाँ पे उनको बेनिफिट मिलता है जनवरी इनटेक वालों को। बहुत लोग यार इसको जनवरी इनटेक को मना करते हैं कि जनवरी इनटेक मत लो, जॉब्स नहीं मिलती है ना, कि काम पूरा ठंडा पड़ा रहता है, समर में काम यहाँ पे हाई होता है, मतलब जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। मैं कहूँगा यस दे आर राइट, मगर ऐसा नहीं होता कि अगर आपको जॉब्स नहीं मिलती। मोस्ट ऑफ द यार अगर आप इंडस्ट्रीज़ देखो, जैसे फूड इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, फूड इंडस्ट्री में लोग क्या करेंगे, घर बैठे, अब स्नो बाहर गिर रही है, स्नो में तो निकलेंगे नहीं, फूड या तो ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे या तो अवॉइड करेंगे जाना, इसलिए जो फूड इंडस्ट्री होती है उसमें काम थोड़ा सा कम हो जाता है। बाकी कोई और इंडस्ट्रीज हैं जैसे वेयर हाउस हो गया, या बहुत सारी हैं, अगर आपको कोई और काम मिल जाता है ना, कारपेंटरिंग का या वॉलमार्ट में समझ लो, वहाँ मिल जाता है काम, सुपर सेंटर्स में मिल जाता है, सुपर स्टोर्स में मिल जाता है। सो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि एकदम जॉब घट जाती है या आपके एकदम घंटे घट जाते हैं। सो ऐसा बिल्कुल सीन नहीं है कि आप जो विंटर इनटेक में आ रहे हैं या जनवरी इनटेक वाले आ रहे हैं उनको जॉब्स नहीं मिलती, उनको भी मिल जाती हैं। सेकेंड जो पॉइंट होता है, अगर हम थोड़ी स्टडी की इसमें बात करें, कि जो विंटर में आ रहे होते हो उनका पहला सेमेस्टर होता है जनवरी से लेके अप्रैल तक, मिड ऑफ अप्रैल तक आपका ख़त्म हो जाता है। आपका एक बार ख़त्म हुआ, जो समर वाला होता है ना मई टू अगस्त वाला, वो होता है ऑप्शनल, आइदर आप स्टडी करो या ना करो। नहीं कर रहे स्टडी तो आप फुल टाइम काम कर सकते हो 40 आवर्स पर वीक, यार आप अपनी बताएं फ़ीस जोड़ सकते हो। बहुत बच्चे ये भी सोचते हैं यार कि चलो मैं भी उतना बैकग्राउंड में इतना फाइनेंशियल स्टेबल तो नहीं था, मैंने भी थोड़ी बहुत अपनी फ़ीस जोड़ी, मगर जो बच्चे चाहते हैं कि वही वो आके अपनी पूरी फ़ीस जोड़े, है ना, उनके लिए मैं कहूँगा जनवरी इनटेक बेस्ट है, क्योंकि इसमें आपको अगर 2 साल की आपकी स्टडी है तो इसमें आपको 2-4 महीने के फुल सेमेस्टर्स ड्रॉप मिल सकते हैं। अब ये कैसे मिलेंगे इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जनवरी में आए, आपने जनवरी टू मिड ऑफ अप्रैल, मतलब अप्रैल तक मान लो आपने पहला सेमेस्टर अपना लगाया, उसके बाद आपको जो समर वाला है मई टू अगस्त, उसमें आपने ऑफ ले लिया, मतलब आपने कोई भी कोर्स नहीं उठाया,
ठीक है, आपने उसमें फुल टाइम काम किया 4 महीने 40-40 घंटे। और इसका एक और सीन है, मैं अगर आपको बताऊं कि 40 घंटे जो होते हैं वो आप एक एम्प्लॉयर के पास तो काम कर ही सकते हो, मगर एक एम्प्लॉयर से हट के जो दूसरा एम्प्लॉयर है उसके पास भी आप काम कर सकते हो। मतलब ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता फुल टाइम स्टूडेंट मतलब फुल टाइम वर्कर में कि अगर आप फुल टाइम हो तो बस 40 घंटे ही कर सकते हो, 40 से ज़्यादा भी आप कर सकते हो आप। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, आप जनवरी में आपने जनवरी का 4 मंथ्स सेमेस्टर किया, फिर 4 मंथ्स फुल टाइम वर्क किया, फुल टाइम वर्क करके आपने पैसा जोड़ा, आप अपने एक सेमेस्टर की फीस आप जोड़ सकते हो। अगर पूरी नहीं जोड़ पाते तो 75% तक तो आपकी जुड़ जाती है अगर आप सेविंग्स अच्छे से करो, नॉट अगर बेकार का खर्चा मत करो, ठीक है। आप जब इंडिया से आप आते हो, आप एक साल की फ़ीस जमा करके आते हो, एक साल मतलब 2 सेमेस्टर की फ़ीस आप जमा करके आते हो, आपने एक सेमेस्टर पहले लगा लिया, फिर आपने 4 मंथ्स फुल टाइम वर्क किया, फिर जो आपका दूसरा सेमेस्टर है उसकी फ़ीस आपकी पहले से जमा है। अगर थोड़ी बहुत डिफरेंस आ रहा है $1,000-2,000 का, वो आप सबमिट कर दो, मगर आपकी जो 2 सेमेस्टर की फ़ीस होती है वो आप जमा करके आते हो इंडिया से। अब जो आपने इस समर में काम किया उसकी फ़ीस जो है वो आपके विंटर जो अगला विंटर आएगा, समझ लो आपने 1 जनवरी to April किया, May to August आपका लीव है, फिर September से December, फिर जो अगला आ रहा है तीसरा सेमेस्टर, आपको मान लो तीसरा फुल टाइम सेमेस्टर आ रहा है, उसकी फ़ीस आपने ये जो अभी समर में फुल टाइम वर्क किया था यहाँ पे आपने कलेक्ट की, ठीक है, पैसे जोड़ के आपने कलेक्ट की, आपने जमा कर दी, अब आपका विंटर वाला भी निकल गया। आता है अगला समर, अगला समर आपका एक और फुल टाइम आप लीव ले सकते हो फ्रॉम योर कॉलेज और यूनिवर्सिटी, फिर आप फुल टाइम वर्क करो जैसे आपको करना है, 2 जॉब करनी है 2 जॉब करो, 1 जॉब करनी है 1 जॉब करो, जितना आप कर सकते हो, है ना। फिर आप पैसे थोड़े बहुत कलेक्ट कर सकते हो, अपनी सेविंग्स कर सकते हो, और वो फीस जो आप कलेक्ट करोगे, वो जो पैसे आप सेव करोगे, वो आपका लास्ट सेमेस्टर जो होगा September to December वाला, उसकी फ़ीस कलेक्ट हो जाएगी। और ऐसे आप फीस का यहाँ पे सिस्टम चलता है, ऐसे आप जोड़ सकते हो फीस। अगर हम तीसरी चीज़ की बात करें वो थोड़ी अच्छी चीज़ है और एक्साइटिंग चीज़ है, अगर आप कनाडा का क्रिसमस देखना चाहते हो तो जनवरी इनटेक आपके लिए बहुत बेस्ट है। आप जनवरी इनटेक में एनरोल होके आओ और थोड़े दिन पहले आ जाओ, जनवरी में आपको आना है तो आप 10 दिन पहले आ जाओ, जैसे 20 या 21 दिसंबर तक आ जाओ। 25 दिसंबर को आप यहाँ का क्रिसमस देख सकते हो जो कि बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जाता है, यहाँ पर फायरवर्क्स होते हैं, न्यू ईयर देख सकते हो आप यहाँ का, यहाँ पे बॉक्सिंग डे की सेल लगती है, बॉक्सिंग डे की यहाँ पे सेल लगती है 26 दिसंबर को। जिनको इलेक्ट्रॉनिक्स पे गुड डील्स चाहिए, जो भी जनवरी इनटेक में आ रहे हैं या कोई भी इनटेक में आ रहे हैं, अगर उनको गुड इलेक्ट्रॉनिक्स पे डील चाहिए, देखो भाई जनवरी इनटेक में जो स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं वही थोड़े दिन पहले आके बॉक्सिंग डे का फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी जो और जो इनटेक में आते हैं स्टूडेंट, उनको वेट करना पड़ता है दिसंबर तक का, फिर वो थोड़ा बहुत लाभ उठा सकते हैं। तो जनवरी इनटेक का एक ये भी फ़ायदा है कि जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं जनवरी इनटेक में, मैं उनको यही कहूँगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स वहाँ से बाय करके मत आओ, यहाँ पर आके यार 1-2 हफ्ता पहले आ जाओ या 5-6 दिन पहले आ जाओ। देखो 26 दिसंबर को बॉक्सिंग डे होता है, बाकी ये लोग जो शॉप वाले होते हैं ये विद इन 1 वीक मतलब रखते हैं, 1 वीक की 3-4 दिन पहले से लेके 3-4 दिन बाद तक सेल रखते हैं। बहुत अच्छी आपको सेल मिल जाएगी आपके लैपटॉप्स में, मोबाइल फ़ोन्स पे अगर आपको लेने हो, यहाँ से आपको लेने चाहिए मोबाइल फ़ोन्स अगर आप जनवरी इनटेक में आ रहे हो तो, या लैपटॉप्स अगर आपको स्टडी के लिए लैपटॉप्स लेने हैं तो गुड डील्स आपको मिल जाती हैं। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें, तो अगला पॉइंट मेरे हिसाब से जो आफ्टर 12th या 12th पास स्टूडेंट्स अगर आना चाहते हैं कनाडा, उनके लिए अच्छा है। अब कैसे अच्छा है अगर हम बताएं, जब इंडिया के स्कूल्स ख़त्म कब होते हैं, अगर आप देखो 12th क्लास आपकी ख़त्म होती है मार्च में या मैक्स अप्रैल में, है ना। आपका रिजल्ट्स आते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम के रिजल्ट्स आते हैं जून के एंड तक आ जाते हैं, ठीक है, या मैक्स जुलाई के एंड तक आ जाते हैं, तब तक आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे। अगर आपको कनाडा आना है तब तक आप आइल्स की प्रिपरेशन कर सकते हो, आइल्स का एग्ज़ाम दे सकते हो, डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो, या डॉक्यूमेंट जो भी आपको अरेंज करने हैं वो अरेंज कर सकते हो, फंड्स अरेंज करने हैं फंड्स अरेंज कर सकते हो, यार इन सबको अरेंज करने में 2-3 महीने लग जाते हैं ना। सो अगर आप देखो तो आपके पास थोड़ा बहुत टाइम होता है, अगर जुलाई के एंड तक भी आपका रिजल्ट आता है 12th का, ठीक है, और अब अगर आपने आयल्स वायल्स दे दी आराम से, जिनके स्कोर नहीं अच्छा आ रहे वो दे दो सेकंड टाइम आयल्स, मानो मेरी बात, उनको सेकंड टाइम देना चाहिए आयल्स जिनका स्कोर अच्छा नहीं आया। मिनिमम 16 ईच तो होने ही चाहिए कनाडा आने के लिए, वरना यहाँ आके यार ये लोग पता नहीं छोटे मोटे अपग्रेडिंग कोर्स लगा देते हैं, फिर उनकी ये लोग बड़े बहुत पैसे चार्ज करते हैं, वो एक अलग बात है कितने करते हैं, मगर बहुत लूटते हैं यहाँ पे। सो ये सब में टाइम मिल जाता है, ये सब करने में अगर आप देखो तो 3-4 महीने का टाइम गुड टाइम मिलता है।
अगर आपका अक्टूबर के एंड तक भी वीज़ा आ जाता है, ये सब करने के बाद फंड्स अरेंज कर लो, आइल्स का एग्ज़ाम दे लो, डॉक्यूमेंट्स दे लो, वीज़ा का प्रोसेस जो भी है वो करवा लो, अक्टूबर के एंड तक आपका आ गया, अभी आपके यहाँ 2 महीने हैं, ठीक है, 2 महीने के बाद आपका जनवरी इनटेक शुरू होना है। आप अपने अच्छे से तैयारी करो, टिकट बुक करो, टिकट आपको सस्ती मिल जाएगी, है ना। सो ये सब मतलब होता है कि बिफोर हैंड चीज़ें जो भी है, और आपको इसमें खुला टाइम मिल जाता है थोड़ा सा। जो सेप्टेम्बर इनटेक वाले होते हैं उनको थोड़ा सा मेरे को लगता है रश करना पड़ता है यार, मेरे हिसाब से, कि आयल्स हो जल्दी जल्दी, है ना, 12th का रिजल्ट आया जैसे ही आया अप्लाई करो और भाग जाओ, जुलाई के एंड में आया जल्दी जल्दी वीज़ा अप्लाई करो, वीज़ा आने में भी 15-20 दिन लग जाते हैं, वैसे तो 1.5 महीने का प्रोसेस होता है वीज़े का, मगर कभी कभी जल्दी आ जाता है, जल्दी में भी 20-25 दिन लग गए, फिर बस आया 1-2 हफ्ते रह गए, जल्दी जल्दी भागो। तो सब जो जनवरी इनटेक है पर्सनली मुझे वो अच्छा लगता है ना, क्योंकि आफ्टर 12th वालों को थोड़ा सा हौली हौली मतलब आराम आराम से करने का सब चीज़ टाइम मिल जाता है, और आप अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हो, कैनेडा आने से पहले थोड़े बहुत चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो आपको फ्री टाइम में घर बैठे। सो यही थी मेरी आज की वीडियो, मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए जनवरी इनटेक के बारे में, जैसे कि वो आ ही गया है, ऑन द स्पॉट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब करके आना गाइस, एंड लाइक भी कर देना, एंड सपोर्ट मी गाइस, आई विल मेक श्योर टू गेट द व्लॉग एंड सॉरी नॉट द व्लॉग वीडियोज इंफॉर्मेटिव वीडियोज एज सून एज पॉसिबल फॉर यू गाइज ऑन दिस चैनल। सो सब्सक्राइब करके जाना, नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी मिलता हूँ आपको, और टाटा बाय बाय, हैव ए गुड डे।